वो पाप रहित था। उसने जीवन भर पाप नहीं किया, अपनी सेवकाई के दौरान पाप नहीं किया, लेकिन क्रूस पर वो हमारे लिए पाप बन गया। वो जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया। ये उसके पाप नहीं थे, ये हमारे थे, लेकिन वो हमारे पापों से पाप बन गया। हमारे पाप उस पर लादे गए और इस तरह वो पाप बना। I came here broken. You made me whole. You have been so good. You have been so good. You have been so good to me. You have been so good. You have been so good. You have been so good to me. 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 I came here. You gave me joy. You have been so good. You have been so good. You have been so good to me. You have been so good. You have been so good. You have been so good. How can I say thank you? How can I thank you? There is just no way. How can I thank you? Lord, how could I repay for your kindness, for your tenderness, for your constant presence with me. You have been so good to me. You have been so good to me. I came here broken. You made me whole. You have been so good. You have been so good. You have been so good to me. You have been so good. You have been so good. You have been so good to me. How can I thank you? There is just no way. How can I thank you? Lord, how could I repay for your kindness, for your tenderness, for your constant presence here with me? अब्राहम की आशीष के कारण हम सफलता में जी सकते हैं। अब्राहम की आशीष इसी के बारे में है। हम आपके साथ यही बांट रहे हैं। अब इसके संबंध में मैं दूसरा कुरिन्थियों में जाना चाहता हूं, अध्याय 8 वचन 9। ये कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये अद्भुत वचन है और विश्वासी को ये जानना होगा और इसे समझना होगा। मैंने इसे कई बार पढ़ा है, मैं बाइबल पढ़ते हुए बड़ा हुआ, लेकिन मैंने कभी इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कभी नहीं सोचा कि इसका इतना अर्थ होगा, लेकिन आज मैं ये देख सकता हूं कि ये क्या कह रहा है।
पौलुस कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। दूसरे शब्दों में पौलुस लिख रहा है उसके बारे में जो उसने उन्हें पहले ही सिखाया है, इसलिए वो कहता है कि तुम पहले जानते हो। तुम जानते हो मैंने तुम्हें प्रचार किया हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का अर्थ है, अनुग्रह का अर्थ है वो जो परमेश्वर ने कलवरी के क्रूस के द्वारा किया। कलवरी के क्रूस में तो अनुग्रह है, उसी के द्वारा परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, यीशु मसीह के द्वारा, क्रूस के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा, और ये सब। यानी हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह बताता है कि कलवरी पर क्या हुआ था। यानी भाषा थोड़ी अलग है, लेकिन ये तो बिल्कुल गलातियों अध्याय 3:13 के जैसे ही है, जब ये कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो, जो सच में कहता है तुम जानते हो कि परमेश्वर ने अनुग्रह प्रेम में हमें कलवरी के द्वारा क्या दिया है। यीशु और क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा वो हमारे लिए श्राप बना कलवरी के क्रूस पर। तुम हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो, यानी उसने पहले ही सिखाया। देखिए बाइबल ऐसी है, ये पत्रियां ऐसी हैं। पौलुस तो महान शिक्षक था, उसने तो बहुत ज्यादा सिखाया जो हमने इस पत्रियों में पढ़ा है उससे। मैं नहीं सोचता कि पहला कुरंथियों और दूसरा कुरंथियों ही उसने सिखाया होगा, उन्हें बहुत ज्यादा सिखाया गया होगा। और यदि आप इफिसियों में और ये सब पढ़ते हैं, पौलुस वहां बहुत समय तक रहकर सिखाता रहा। वहां पर इफिसुस में, खासकर इफिसुस में उसने उन्हें यही नहीं सिखाया। ये तो केवल सार है, ये सारांश है जो उसने सिखाया था। वो एक पत्री में से रखने की कोशिश करता है। पत्र तो केवल कुछ पन्नों का होता है, लेकिन ये तो सारांश है उन सब का जो उसने सिखाया था। यानी आपको इस तरह से बाइबल को देखना चाहिए। यहां तक कि यूहन्ना का सुसमाचार, जब यूहन्ना सुसमाचार लिखता है तो कहता है यीशु ने बहुत से दूसरे काम किए, बहुत से चमत्कार, लेकिन उसके पास समय नहीं था, या जानते हैं उसने जरूरत महसूस नहीं की कि सब लिखे, कि चमत्कार के बारे में लिखे। वो केवल कुछ ही चमत्कार के बारे में कहता है कि हमें बस ये बताए कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा मैंने तुम्हें ये सब लिखा है कि तुम ये जानो कि वो परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करो। वो कहता ये काफी है, उसने जो किया वो सब बताने की जरूरत नहीं। उसने कहा यीशु ने जो किया वो सब लिखते तो किताबें काफी नहीं होती। वो 33 साल तक जिया और 3.5 साल तक उसने सेवकाई की। उसने 3.5 साल में बहुत किया होगा। 3.5 साल की सेवकाई पर बड़ी बड़ी किताबें लिख सकती हैं। इसके लिए समय नहीं और इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि ये सारांश दे रहा हूं, यानी यूहन्ना के सुसमाचार में जो है वो सारांश है उन कामों का जो यीशु ने किए थे। यानी सारी पत्रियां भी बिल्कुल ऐसी ही है। यहाँ दूसरा पत्रस, जब आप पत्रस की पत्री पढ़ते हैं, वो उसे अपने जीवन के लगभग अंत में लिखता है। वो कहता है कि तुम तो पहले से जानते हो, तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, जब मैं मर जाऊंगा तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ वो बातें जो मैंने तुम्हें पहले सिखाई है। इसलिए पत्रस की शिक्षा केवल पहले और दूसरे पत्रस में ही नहीं पाई जाती है। उसने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन आप इसके सारांश के रूप में देखते हैं। प्रचार में यही बात उत्साहित करने वाली है। प्रचार में हम इन चीजों को लेते हैं क्योंकि ये सारांश में है, संक्षिप्त में है, और हम इस पर विवरण देते हैं बहुत से वचन और सबूत इस जगह पर लाने के द्वारा कि हम इसे सपोर्ट कर सके। यानी वो ये कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। तुम जानते हो यीशु ने क्या किया, मैंने इसके बारे में प्रचार किया, मैंने क्रूस के बारे में प्रचार किया, मैंने बताया कि वो हमारे लिए कैसे श्राप बना और ये सब। तुम ये सब जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह जानते हो। लेकिन फिर वो कहता है कि वो धनी होकर भी, वो कह रहा है गरीबी और संपन्नता पर। अब पूरे संदर्भ यदि आप अध्याय 8 और अध्याय 9 पढ़े तो ये पैसों के बारे में कहता है, ये पैसों के बारे में कह रहा है और देने के बारे में। यानी ये सच में आत्मिक गरीबी और आत्मिक धन और इनके बारे में नहीं कह रहा है, जानते हैं। ये सच में कह रहा है गरीबी और ये सच में कह रहा है धन के बारे में। संदर्भ तो ये है। तो वो कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, और अनुग्रह ने ये एक बात दी है कि वो धनी होकर भी वो तुम्हारे लिए गरीब बना कि तुम उसके कंगाल हो जाने से धनी हो जाओ, धनी हो। अब मैं आपको धीरे बताना चाहता हूं, क्योंकि हालांकि वो धनी था, सब लोग कहे वो धनी था, मैं आपसे कहता हूं इसके आधार पर कि यीशु धनी था और फिर इतिहास में ऐसा समय आया कि वो कंगाल हो गया। अब कुछ लोग तो जोर देते हैं, वो दिखाते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं कि यीशु कंगाल था। तो वो कहते हैं यीशु चरनी में जन्मा, उसे सिर धरने की जगह नहीं थी, जानते हैं, और वो गधे पर सवार होता था। उसके पास बहुत से कारण थे कि विश्वास करें कि यीशु कंगाल था।
मैंने जाना कि इन सारी केसेस में जहां वो उसे गरीब बनाना चाहते हैं, वो अपनी गरीबी को सही बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो कारण देने के लिए है कि वो ऐसे क्यों हैं। वो बाइबल से दिखाना चाहते हैं कि यीशु हमारा प्रभु स्वयं इस तरह था। यदि वो खुद इस तरह का था तो मैं कौन हूं? तो एक प्रचारक ने कहा, यदि यीशु यहां होता तो क्या वो कार से जाता? इन दिनों में प्रचारक कार से जाते हैं। यदि यीशु यहां होता तो वो गधे पर जाता था, लेकिन उन दिनों में गधा कार के जैसे था। यानी यीशु गधे पर सवारी कर रहा था, तो हमें गधे की सवारी जरूरत नहीं, ये मूर्खता होगी। लेकिन ऐसे लोग हैं, जानते हैं, जो दिखाने की कोशिश करते यीशु गरीब था। वो इतने सटीक है कि दिखाए कि यीशु गरीब था, क्योंकि उनका जीवन गरीबी में है। वो विश्वास करना चाहते हैं कि गरीबी सही है, अच्छी है। ये गरीबी वो अपनी गरीबी के लिए बहाना बनाना चाहते हैं, तो वो वचन में अपनी गरीबी के लिए कारण ढूंढते हैं। लेकिन बाइबल नहीं कहती कि यीशु गरीब था, बाइबल कहती है कि यीशु धनी था, वो गरीब हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु कैसे गरीब हो सकता है? वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसने आकाश और पृथ्वी बनाई, उसके बिना कुछ भी नहीं बना है। जो भी बना है उसके द्वारा ही बना है। वो सबका सृष्टि करता है। आप जो भी देखते उसका है, उसने इसे बनाया, ये उसका है, वो इसका मालिक है। वो कैसे गरीब हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं, खैर जब वो संसार में आया वो गरीब बना। वो इस संसार में आने से गरीब नहीं बना, वो इस संसार में आने पर पाप नहीं बना, इस संसार में आने से पापी नहीं बना। वो इस संसार में 33.5 साल तक रहा और उसने एक भी पाप नहीं किया। उसके शत्रु भी उसमें एक पाप नहीं देख सके। उसने एक भी पाप नहीं किया, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया। यानी वो पाप नहीं बना, उसने पाप नहीं किए। और मैं आपको बताऊं कि जब वो इस पृथ्वी पर रहा था, वो कभी गरीब नहीं था। आप कहेंगे वो तो चरनी में जन्मा, ये केवल इसलिए कि सराय में जगह नहीं थी, उनके लिए होटल में कमरे उपलब्ध नहीं थे। हर कोई आ रहा था क्योंकि गिनती ली जा रही थी और बड़ी भीड़ थी और होटल बुक थे। आप सही तरह से बाइबल पढ़िए। और उसने कहा, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, पक्षियों के घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की जगह नहीं। यानी यहां यीशु है, उसके पास सिर धरने की जगह नहीं। बाइबल को सही तरह से पढ़ ले। वो सामरिया से जा रहे थे, उसने अपने चेलों को भेजा कि उस रात रुकने के लिए वहां जगह देखे कि सामरिया में आराम कर सके। उसने सोचा कि रात को सोकर बाद में आगे बढ़ेंगे, तो वो सामरिया में गए। लेकिन सामरी यहूदियों को पसंद नहीं करते थे, उनके बीच में वंशवाद का तनाव था। तो सामरियों ने कहा, तुम यहूदी हो तो चले जाओ, हमारे नगर में नहीं रहना, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है, आगे बढ़ते जाओ। यानी यीशु सो नहीं पाया, उसे कोई जगह नहीं मिली, उस रात सिर धरने के लिए जगह नहीं मिली, उसे चलना पड़ा, यात्रा करनी पड़ी, सामरिया से आगे बढ़कर और कोई जगह ढूंढनी पड़ी। इसलिए उसने कहा, लोमड़ियों के भट्ट, पक्षियों के घोंसले हैं, मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की जगह नहीं। लेकिन बाद में किसी ने आकर उससे पूछा, तू कहां रहता है हे स्वामी? उसने कहा, आकर देखो। उसने नहीं कहा, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, सिर धरने की जगह नहीं है। उसने कहा, आकर देखो। वो जाकर देखता अपने एक दोस्त के साथ, और जब उन्होंने देखा तो देर हो गई थी। और यीशु ने कहा, रुक जाओ, रात भर यहीं रुको। इसे यूहन्ना अध्याय 1 में पढ़ लीजिए। उसने कहा, यहीं पर रुक कर सुबह चले जाना। तो वहीं रहे, दो लोग वहीं पर रुके रहे। आज बहुत से लोगों के घर हैं जहां वो खुद दो लोग चैन से नहीं सो सकते हैं, जानते हैं। और यीशु के पास इतनी जगह थी कि दो मेहमान रह सके। रात भर उसके घर में रहे और उसके लिए कोई समस्या नहीं थी, वो उनके लिए जगह दे सका। मुझे पता नहीं खुद का घर था या किराए का घर था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो फुटपाथ पर नहीं रह रहा था, किसी सड़क पर। वो जाकर जगह नहीं ढूंढ रहा था, किसी पेड़ के नीचे की जगह खुद के लिए। ये गलत है। एक बार ये गलत विचार अपने दिमाग से निकाल दे, केवल तब हम हमारे जीवन के लिए प्रभु की इच्छा में स्थिर रहेंगे। मेरे दोस्तों, यदि आप सोचते हैं कि यीशु गरीब था, तो आपके पास हर कारण होगा कि विश्वास करें कि खुद इस तरह का जीवन जिए। हमें ये गलत विचार निकालना चाहिए। उसने 5,000 को भोजन दिया, गरीब आदमी नहीं दे सकता है। उसके 12 चेले थे, उन 12 चेलों के परिवार थे, वो मछलियों के व्यापारी थे, इनकम टैक्स अफसर थे, वो अलग तरह के व्यवसाय में थे। वो ये सब यहाँ छोड़कर आए, यानी उसके पास कुछ अरेंजमेंट होगी जहाँ उन्हें तनख्वाह मिले और कुछ हुआ होगा, वो उनकी मदद के लिए कुछ करता होगा। यीशु ने संभाल सका, 12 चेले उसके पीछे चल रहे थे और 70 चेले थे और स्त्रियां भी मदद कर रही थी, यानी 100 लोगों की गॉस्पल टीम थी।
आप नहीं कह सकते कि यीशु गरीब था। 100 लोगों की गॉस्पल टीम सामान्य बात नहीं है। आपने एक टीम रखने की कोशिश कीजिए तो आप जल्दी ही सीखेंगे कि ऐसा करने के लिए कितना पैसा लगता है। 100 लोग टीम में थे, बड़े अफसर, इनकम टैक्स अफसर, फरीसी, धार्मिक अगुवे, कम्युनिटी लीडर उसे अपने घर में खाने के लिए बुलाते थे। यदि वो बेकार होता, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसे समाज से बाहर माना जाता है, जिसके पास सिर धरने की जगह नहीं है, उसे अच्छे लोग अपने घर में खाने के लिए न्योता नहीं देते थे। मैं आपको सबूत के बाद सबूत दे सकता हूं, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। मैंने इन सारी बातों के बारे में पहले शिक्षा के दौरान बताया है, विवरण के साथ जानते हैं। कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। ये सब यही है यदि आप खुली आंखों से बाइबल पढ़ते हैं, धार्मिक मन से नहीं, पहले से निश्चित विचारों से नहीं, लेकिन खुली आंखों से इसे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यीशु गरीब नहीं था। ये लोग जो कहते हैं यीशु गरीब था, वो सच में गलत हैं। वो गरीबी में विश्वास करते, इसलिए कहते हैं यीशु गरीब था। वो उसे अपनी ओर रखना चाहते हैं, कहते हैं हम गरीब हैं, यीशु गरीब था, तो आप क्यों गरीब नहीं, यह उनकी बात है। यानी यीशु गरीब नहीं था, बाइबल कहती है वो यीशु धनी था। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 कहता है कि वो धनी होकर भी, सब लोग कहे यीशु धनी था, वो स्वर्ग में धनी था, जब वो पृथ्वी पर आया वो धनी था, पैसों की बैग के लिए एक आदमी था, और वो पैसों की खाली थैली नहीं होती थी, क्योंकि उस आदमी की परीक्षा होती थी कि वो उसमें अपने हाथ डाले और कुछ पैसे निकाले, देखिए, और उसमें से कुछ निकाले। यानी वो खाली पैसों की थैली लिए नहीं चल रहा था, जैसे कहते हैं गरीब आदमी का बैंक अकाउंट नहीं होता। उन दिनों में गरीब आदमी के पैसे की बैग नहीं होती थी, पैसों की थैली उसे लगती थी जिसे इतना पैसा ले जाना पड़ता था, क्योंकि पैसे ले जाने के लिए जेब इतनी काफी नहीं थी कि किसी को पैसे की थैली ले जाना पड़ता था। यहां तो ये आदमी पैसे लिए चलता था, पैसों की थैली और सूटकेस में पैसे लिए चलता था, तो वो आदमी इसे लिए चलता था, उसकी परीक्षा होती थी कि उसमें हाथ डालकर कुछ निकाले। यानी यीशु गरीब नहीं था, वो धनी था, और जब वो इस पृथ्वी पर आया, इस संसार में आने के द्वारा गरीब नहीं बना, वो फिर भी धनी था। वो कब गरीब बना, वो कब पाप बना, वो तब पाप बना जब कलवरी के क्रूस पर गया। 2 कुरिन्थियों 5:29 कहता है वो पाप से अज्ञात था, वो हमारे लिए पाप बना। जो पाप से अज्ञात था, सही तरह से कहूं, जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बना कि हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए। वो पाप से अज्ञात था, इसका मतलब उसने पाप नहीं किया, वो कभी पापी नहीं बना। इस संसार में आने के द्वारा वो पापी नहीं बना, वो कुंवारी से जन्मा, इसलिए उसके जन्म में भी उसने पाप को टाल दिया, पाप का कलंक उस पर नहीं था, उसकी रगों में पाप का लहू नहीं बह रहा था। इसलिए हम कुंवारी के जन्म पर विश्वास करते हैं। एक मनुष्य के पाप के कारण पाप संसार में आया, ये तो मनुष्य जो पाप को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाता है, मनुष्य जो बीज देता है, वो मनुष्य की मदद के बिना ही जन्मा है, परमेश्वर का लहू उसमें था, वो शुद्ध था, पाप रहित। उसके जन्म में भी उसने कभी पाप नहीं किया, वो पाप रहित था, उसने जीवन भर पाप नहीं किया, अपनी सेवकाई के दौरान पाप नहीं किया, लेकिन क्रूस पर वो हमारे लिए पाप बन गया। वो जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया। ये उसके पाप नहीं थे, ये हमारे थे, लेकिन वो हमारे पापों से पाप बन गया, हमारे पाप उस पर लादे गए और इस तरह वो पाप बना। आमेन। वो कैसे बना, वो गरीब कब बना, मैं आपसे कहता हूं उसी तरह से। वो इस संसार में आने से गरीब नहीं बना, जब वो क्रूस पर गया उसमें कोई गरीबी नहीं थी, वो गरीबी नहीं जानता था, जैसे वो पाप से अज्ञात था। परमेश्वर का पुत्र, आकाश और पृथ्वी का रचयिता, जो गरीबी को नहीं जानता था, गरीबी संसार में आई पाप के परिणाम में, यहां तक कि पृथ्वी पर भी। अब इसे सुनिए, कुछ लोग चौंक जाएंगे, पृथ्वी पर भी कोई गरीबी में नहीं था, केवल पाप के आने के बाद गरीबी संसार में आई, मनुष्य ने इस संसार में गरीबी लाई। परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाई थी वो गरीबी के साथ नहीं बनी थी, वो प्रभु के धन से बनाई गई थी, बहुत आयत से बनाई गई थी। यानी वो गरीबी नहीं जानता था, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। तो वो कब गरीब बना, वो गरीब बना जब वो क्रूस पर लटका, उसकी गरीबी से नहीं, हमारी गरीबी तो उसने खुद पर ले ली,
कि हमारी गरीबी उसकी गरीबी हो जाए। हेलो, क्या आप यहां हैं? क्या आप समझ रहे हैं? बाइबल कहती है, गलातियों अध्याय 3:13 कहता है, मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, वो हमारे लिए श्राप बना, क्योंकि लिखा है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो काठ पर लटकाया जाता है। ठीक है, उत्तर तो यही इसी वचन में है। वो श्रापित कब बना? काठ पर लटकाए जाने पर। जैसे लिखा है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो काठ पर लटकाया जाता है, वो इस पृथ्वी पर श्रापित के रूप में नहीं चल रहा था। श्राप तो इस पृथ्वी पर था उस दिन से जब आदम ने पाप किया, लेकिन वो इस पृथ्वी पर श्राप में नहीं चला। वो श्रापित व्यक्ति नहीं था। व्यवस्था विवरण 28 कहता है कि जो मनुष्य जानबूझकर प्रभु परमेश्वर की आवाज सुनता है और उसकी आज्ञा मानता है, उस पर ये सारी आशीषें आएगी और उस पर छा जाएगी। और यही वचन 14 के बाद आप पढ़ते हैं कि श्राप के बारे में लिखा है, जो मनुष्य नहीं सुनता और जानबूझकर प्रभु की आवाज नहीं सुनता है और ये सब नहीं करता, तो ये श्राप उस पर आएंगे और उस पर छा जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं कि पुरानी वाचा में एक भी व्यक्ति नहीं था जो ये कह सके, मैंने 10 आज्ञाएं पूरी की है, व्यवस्था की आज्ञा मैंने पूरी की। एक व्यक्ति भी नहीं था जो परमेश्वर की आशीष के लिए योग्य था, जो व्यवस्था के आधार पर जी रहा था। किसी ने आज्ञा पूरी नहीं की थी, केवल यीशु ने ही परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया था। एक व्यक्ति भी नहीं था, क्योंकि यदि किसी ने आज्ञा पूरी की होती और आज्ञा के अनुसार किया होता तो वो उसी से उद्धार पा लेते थे। नहीं हो सकता था, कोई इसे नहीं कर सका। यह साबित करता कि उन्हें उद्धार की जरूरत नहीं है। यदि कोई उसके पीछे चला होता, मनुष्य जाति में एक व्यक्ति, पूरे संसार में एक व्यक्ति, हर पीढ़ी में एक व्यक्ति यदि सारी 10 आज्ञाएं पूरी करता, तो इसका अर्थ होता कि उद्धारक की अब जरूरत नहीं है। यदि एक व्यक्ति 10 आज्ञा पूरी करता तो बहुत से लोग होते जो 10 आज्ञा पूरी कर सकते थे। इसलिए उद्धारक की जरूरत नहीं होती। उद्धारक क्यों चाहिए? क्यों परमेश्वर के पुत्र को उद्धारक के रूप में आना था? क्यों वो उद्धार दे? क्योंकि मनुष्य खुद को नहीं बचा सकता है, किसी को आकर उसे बचाना होगा। देखिए, यानी एक ने प्रभु की आज्ञा पूरी नहीं की तो वो कैसे आशीषित हुए? वो आशीष पाए कैसे? क्योंकि जब वो बलिदान में चूक गए, मतलब जब वो आज्ञा मानने में चूक गए, उन्होंने बलिदान दिए, उनके पास व्यवस्था और बलिदान थे। पुराने नियम में व्यवस्था और बलिदान के बारे में था। वो व्यवस्था में गए और चूक गए। जब बलिदान के पास आए तो दया पाए, क्योंकि बलिदान यीशु मसीह के बारे में थे, परमेश्वर का मेमना जो मनुष्य जाति के पाप के लिए बलिदान हुआ। उन्होंने मेमने बलि चढ़ाए, उन्होंने मेमने को मारा, उसका लहू बहाया और प्रभु के सामने खड़े होकर कहा, मैं पापी हूं प्रभु, केवल परमेश्वर के मेमने के द्वारा मेरे पाप माफ किए गए। मैं अपनी भलाई के कारण नहीं आता हूं, मैं अपने कामों से नहीं आता हूं, लेकिन मैं आता हूं मेमने के द्वारा और यीशु मसीह के बाहे लहू के द्वारा, उद्धार के लिए प्रभु के मार्ग पर दर्शाए विश्वास से। केवल इसी तरह से परमेश्वर ने आशीष दी पुराने नियम में। यीशु के आने के पहले उन्होंने बलिदान के द्वारा इसे किया। उन्होंने इसलिए आशीष नहीं पाई क्योंकि आज्ञाएं मानी थी, उन्होंने इसलिए आशीष पाई क्योंकि उन्होंने आकर माना कि प्रभु उनका उद्धारक है। ठीक है, लेकिन यीशु आया। बाइबल कहती गलातियों अध्याय 4:4 में, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन बना। इसका अर्थ है वो व्यवस्था के अधीन था, वो यहूदी के रूप में जन्मा, व्यवस्था के अधीन था, 10 आज्ञाएं वो मानने के लिए विवश था, और वो एकमात्र व्यक्ति था जिसने 10 आज्ञाओं को पूरा किया। More than I can hope or dream of. You've put your faith.
You're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody, say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much, I gotta give it away. Your love, you taught me to live now. You